विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, सॉल्व फॉर यम, यहाँ पर यम टू द पावर यम टू द पावर यम इक्वल्स 1/2 टू द पावर स्क्वायर रूट 2 एक गिवन है। इस गिवन एग्जांपल में हमें यम का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले ये स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स मैं इसे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2 लिखता हूँ, तो ये दोनों कट हो गया, स्क्वेयर रूट 2 इक्वल स्क्वेयर रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 2 मीन्स 2 बनेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर स्क्वेयर रूट 2 रहेगा, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2, तो रूट 2 के बदले में मैं 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इसके जगह में मैं पुट करता हूँ, तो ये बनेगा यम टू द पावर ऑफ यम टू द पावर m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर 2 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट। ओके, तो ये कौन सा फॉर्म है, a टू द पावर ऑफ m इंटू n के फॉर्म में है, तो इसे हम a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n यानी पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल का यहाँ पर हम यूज किया यहाँ पर, तो ये बनेगा इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बनते हैं 1 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2, राइट। तो इक्वल्स ये बनते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 होल टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2 यानी m टू द पावर ऑफ m टू द पावर m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट। ओके, जो पावर में 1 बाई रूट 2 है उसमें वो क्या होता है वो देखेंगे। 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2 है, इसे मैं 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2 को 2 टू द पावर 1 बाई 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है nth रूट अगर ये रहा तो ये टू द पावर ऑफ 1 बाई n बनता है, राइट। ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज किया, तब ये 2 टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 बनते हैं। तो ये 1 बाई 2 को मैं और एक बार क्या करता हूँ, देखो 1 लेफ्ट साइड में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 है, इसे मैं 2 टू द पावर ऑफ 2 बाई 4 करूँगा तो 2 टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 ही बनते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, देखो 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 बनते हैं, राइट। तो इसे हम अगेन अगर लिखा तो 2 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4 बनता है, ठीक है। तो 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स यहाँ पर 4 बनता है, तो इक्वल्स यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1 बाई 4 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1 बाई 4 को मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई 4 भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 को कौन से भी पावर में कौन से भी रखो वो सेम ही वैल्यू रहता है। ये बन गया a टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई यहाँ पर b टू द पावर ऑफ x के जैसा, तो इसे हम a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर ऑफ x करेंगे। यहाँ पर x इज 1 बाई 4, a इज 1 और b इज 4, ठीक, x इज 1 बाई 4, तब ये बनेगा इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 4 होल टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4। तो 1 बाई रूट 2 से हमें क्या क्या मिला, ये 1 बाई रूट 2 से, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर ऑफ 1 बाई 4, यहाँ पर 1 बाई रूट 2 है, इसके जगह में मैं 1 बाई 4 टू द पावर ऑफ 1 बाई 4 पुट करूँगा, तब ये बनता है m टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 एज यूजुअल टू द पावर, ये 1 बाई रूट 2 की जगह में 1 बाई रूट 2 की जगह में 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर ऑफ 1 बाई 4 रखेंगे, तब ये 1 डिवाइडेड बाई 4 पावर में है, 1 डिवाइडेड बाई 4 होल टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर बनते हैं m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, m इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 4 भी हम बोल सकते हैं, और इसे अगर डेसिमल में चाहिए और डेसिमल में अगर चाहिए तो m इक्वल्स 1 बाई 4 मीन्स 0.25 भी हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 बाई 4 और 0.25 दोनों हम बोल सकते हैं इसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।